नीमच के वार्ड नंबर 17 एकता कॉलोनी की महिलाएं आज बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर जिला कलेक्टोरेट कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने कलेक्टर मयंक अग्रवाल के नाम एक ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में बताया कि उनके क्षेत्र एकता कॉलोनी में पिछले 2 महीने से पेयजल की आपूर्ति नहीं हो रही है, ऐसे में उन्हें काफी दूर से पानी लाना पड़ता है। इस संबंध में उन्होंने कई बार नगरपालिका प्रशासन को शिकायत की, मगर अब तक उनकी शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और जिसके परिणाम स्वरूप कोई समाधान नहीं हुआ है। वे करीब 4 किलोमीटर दूर से पानी लाती है। कॉलोनी में स्थित हैंडपंप में काफी गंदा पानी आता है और उसको पीने के बाद बीमार होने की संभावना अधिक होती है। महिलाओं का कहना है कि यदि प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देता है तो आगामी दिनों में उन्हें कलेक्टर कार्यालय के सामने ही बर्तन लेकर प्रदर्शन करना पड़ेगा। समस्या को लेकर क्या मामला है? सर, हम एकता कॉलोनी से आए, वार्ड नंबर 17 से, और हमारी समस्या है कि हमारे को 2 महीने से पानी नहीं मिल रहा है, इसलिए हम पानी के लिए 4 बार आके चक्कर लगा चुके हैं, हमारी कुछ सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए हमें वापस आके आवेदन देना पड़ा है। पानी अभी कहाँ से लाना पड़ा है? सर, हम सीगवार से मतलब यहाँ से बहुत 4-5 किलोमीटर दूर जाके पानी लेके आ रहे हैं। सर, हम बहुत परेशान हो रहे हैं, और नाले के पास जो हेडपंप है वहाँ गंदा पानी आता है, और वो पानी हम बच्चों को पिलाएंगे तो वैसे पहले भी बहुत सारी बीमारी। नगर पालिका का अवगत कराया आप लोगों ने? नहीं कराया। सर, हम 3-4 चक्कर तो नगर पालिका में लगा के आ चुके हैं, अभी यहाँ पे आके आवेदन दिया है, और अगर इसमें भी हमारी सुनवाई नहीं होगी तो फिर बर्तन लेके यहाँ ही बैठेंगे। सर,